चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रि यानी कि देवी मां की उपासना के का महापर्व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि 7 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू हो रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्रि पर मां के पंडाल बनाने और मूर्ति रखकर पूजा करने की अनुमति दी है। दरअसल कोरोना के चलते पिछले साल इस तरह के धार्मिक आयोजन पूरी तरीके से प्रतिबंधित थे, लेकिन सरकार ने इस बार पंडाल सजाने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का पालन करने की शर्त भी रखी है। उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री ने नवरात्रि पर मां के पंडाल रखने की अनुमति के फैसले के बारे में जानकारी दी, जिसके अनुसार खुले स्थान पर कार्यक्रम करने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा और मैदान की क्षमता के अनुसार लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति भी होगी। विंध्याचल नवरात्रि मेले को लेकर विंध्याचल प्रशासनिक भवन में जिला प्रशासन ने बैठक करी, जिसमें माता विंध्यवासिनी देवी के धाम में आने वाले भक्तों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम विभागों को निर्देशित किया गया। आपको बता दें, विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से आरंभ हो रही है और यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा समेत तमाम बिंदुओं पर गहनता से विचार विमर्श करते हुए काम कर रहा है। सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे के साथ ही गुप्तचर भी मेला क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। तो वही अयोध्या की रामलीला का विधिवत मंत्रोच्चार के साथ शुभारंभ कल से हो चुका है। मंच पर आज पहले दिन स्वागत नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। बुधवार से रामलीला का मंचन शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक रामलीला चलने वाली है। वही हमारे संवाददाता ने अदाकार शहबाज खान, जो कि रामलीला में रावण की भूमिका में नजर आएंगे, उनसे खास बातचीत की है। इस दौरान सुनिए। भगवान श्री राम की पावन नगरी में करोड़ों दर्शकों का जिसका इंतजार था, वो घड़ी आज आ ही गई। आज अयोध्या भगवान राम की नगरी से अयोध्या की रामलीला की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ बड़े कलाकार, सिने पर्दा के बड़े पर्दे के बॉलीवुड स्टार, जिसको कोई आज पहचानने के मोहताज नहीं है, जिसका नाम शहबाज खान। शहबाज खान हर बच्चे के नाम, चाहे साउथ फिल्म हो चाहे वो हिंदी फिल्म हो, सबसे पहले अगर नाम आता है विलन के रूप में तो शहबाज खान का। शहबाज खान अयोध्या में आए हुए हैं भगवान श्री राम की नगरी में, हम उनसे जानेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शहबाज खान साहब, आप दूसरी बार अयोध्या आए हैं, रामलीला पे आप मंचन कर रहे हैं, आप रावण की भूमिका में हैं, क्या कहेंगे दर्शकों को? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है फिर से अयोध्या आने की। पिछली बार इतना प्रेम मिला था अयोध्या में कि फिर वापस आए हम लोग, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार पिछले रिकॉर्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। पिछली बार 16 करोड़ लोगों ने देखा था, इस बार कोशिश करेंगे कि 16 करोड़ से ज़्यादा लोग देखें। सर साहब, जिस तरह से जैसे आप साउथ की फिल्में करते हैं और हिंदी मूवी में करते हैं, तो क्या आपको रामलीला करने में, क्योंकि रामलीला ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के अतीत से जुड़ी हुई है, तो क्या जब ये चाहे वो डायलॉग की बात हो चाहे उस पर रावण की भूमिका में है, तो कोई दिक्कत या कंफर्टेबल? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे मेरी लैंग्वेज जबान अच्छी है, मैं संस्कृत भी बोल लेता हूँ और हिंदी बोल लेता हूँ, उर्दू बोल लेता हूँ, सब लैंग्वेजेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार आपने शिव पांडव बोला था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप एक बड़े एक्टर हैं और जैसे साउथ मूवी हो या हिंदी मूवी में हो, तो इसमें संस्कृत का कोई उच्चारण नहीं होता है, और आपने संस्कृत श्लोक भी पढ़ा। हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो करोड़ों राम भक्त हैं, उनको अपने मुंह से जो शिव पांडव है वो सुनाए। ओम त्र्यंबकम् यजा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मेव वंदना मृत्योर्मुक्षीय माम रतात। ये तो पांडव हो गया। अब की पिछले बार 16 लाख लोगों ने देखा था, 16 करोड़ लोगों ने देखा था, अब की दुगना की वो है। तो जो हमारे दर्शक हैं और जो आपके चाहते हैं, उनको आप अयोध्या से क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगा, भाईचारे का संदेश दूंगा, और ये दूंगा कि अहंकार से दूर रहें। रावण को अहंकार ने ही रावण को डुबोया था, और प्रभु श्री राम ने जो जिस तरह जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है, उसी तरह व्यतीत करें। तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई कल यानी कि गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश की अदालत में होगी।
लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 9 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का हवाला देते हुए कहा था, उच्चतम न्यायालय को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा इस घटना को लेकर उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को एक पत्र लिखकर 3 अक्टूबर की इस घटना के मामले में शीर्ष अदालत की निगरानी में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच का अनुरोध भी किया गया था। लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए एक किसान के परिवार के परिजनों ने प्रदेश सरकार की ओर से मिली सहायता के लिए धन्यवाद किया है। परिजनों ने कहा कि इस घटना के बाद प्रशासन शासन ने जो उनका सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने इस घटना पर राजनीति करने वालों की निंदा भी की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मक्खन सिंह, जो लवप्रीत सिंह का बहनोई लगता था रिश्ते में, ये चाचा जी हैं उसके, केवल सिंह जी, ये पूर्व प्रधान लाडी भैया, ये मौजूदा प्रधान सुखा भैया मेरे पीछे खड़े हुए हैं, सरदार बहादुर सिंह जी। सभी गांव के लोग चौकड़ा फार्म से बोल रहे हैं, जो हमारा बेटा, हमारा बच्चा भाई लवप्रीत सिंह इस किसानी आंदोलन के संघर्ष में शहीद हुआ है। तो किसान संयुक्त किसान मोर्चे ने जो उस पर स्टैंड लिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, और शासन प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है हर प्रकार का, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आर्थिक सहायता की गई है, हम उसका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और जो ऐसे तत्व इस घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में इस घटना का राजनीतिक लाभ ना लिया जाए और किसी को परेशान ना किया जाए। सभी से मेरी यही प्रार्थना है, धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रिहाई के बाद लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर लाहबड़ी के मृतक किसान नछतर सिंह के परिजनों से मुलाकात करी। संजय सिंह के साथ पंजाब के नेता विपक्ष हरपाल चीमा, विधायक बलजिंदर कौर, कुलतार सिंह, अमरजीत सिंह समेत कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं लखीमपुर खीरी पीड़ित परिवार से मिलने आया हूं। मुझे 55 घंटे पुलिस हिरासत के बाद लखीमपुर आने की अनुमति मिली, लेकिन अब तक मंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बताइए, उसके अधीन आने वाली तमाम जांच एजेंसियां कैसे जांच कर पाएंगी? जो वीडियो सामने आया है उसने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया। देश के अन्नदाताओं को, किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह मंत्री की गाड़ियां, एक नहीं तीन तीन गाड़ियां कुचलती हुई चली जा रही है। 19 साल के एक नौजवान को नृशंस हत्या की गई है। यार पिछड़ा बेनती करते हो, चुप रहो जरा। हत्या मैं कहूंगा इसको। और अभी तक अगर मंत्री की गिरफ्तारी नहीं, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सवाल ये है मोदी जी से और योगी जी से कि न्याय कहाँ है आपका? क्या 302 का मुकदमा किसी आम आदमी पे लिखा जाए तो वो बाहर घूम सकता है? क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे हैं, इसलिए उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मंत्री जो 25 सितंबर का उसका वीडियो है जिसमें खुलेआम वो धमकी दे रहा है और कह रहा है कि लखीमपुर तो छोड़ो, पूरी दुनिया छोड़नी पड़ेगी, और उसने दुनिया छुड़वा दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में रविवार को हुए बवाल के बाद घमासान मचा रहा। राहुल गांधी प्रियंका के साथ लखीमपुर पहुंचे हुए हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के आने का सिलसिला नहीं थम रहा। कल सुबह एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लखीमपुर खीरी जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी कल लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू भी कल लखीमपुर खीरी पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी पलिया के चौखड़िया फार्म पर पहुंचे, तो वहीं प्रियंका और राहुल ने पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात करी। आपको बता दें, पलिया के किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों से मिले हैं। इसके अलावा मृतक पत्रकार रमन के पिता से भी प्रियंका गांधी ने मुलाकात करी है, बात करी। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, आपकी हर संभव मदद की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा शासन में किसानों और महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा देवभूमि का। कृषि कानून के खिलाफ जगह जगह किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत उधमसिंह नगर के जसपुर में आज किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान नेता स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 86वीं जयंती के मौके पर जसपुर में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के लखीमपुर मामले में व्यस्त होने के कारण उनके बेटे चौधरी चरण सिंह टिकैत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी। तो वहीं इस महापंचायत में जिला उधम सिंह नगर समेत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसान भी शामिल हुए। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, लखीमपुर खीरी की घटना बहुत ही निंदनीय है। ये तो पिछले 10 महीने से आंदोलन जो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, चारों तरफ से सीमाएं सील की हुई हैं। उसमें गाजीपुर की बॉर्डर की सीमा हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, ढासा बॉर्डर हो, जो लखीमपुर खीरी वाली घटना हुई बहुत निंदनीय घटना है, बहुत अप्रिय घटना है। जिस हिसाब से उन्होंने गाड़ियाँ वहाँ पर चढ़ाई हैं, आंदोलन ख़त्म करके जब प्रोग्राम कैंसिल हो गया तब वापसी अपने घर जाने लग रहे, तो पीछे से गाड़ी से हमला निहत्ते किसानों पर किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 8 अक्टूबर को हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं। इस दौरान मोहन भागवत का 8 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक हल्द्वानी में प्रवास का कार्यक्रम है। वो उत्तराखंड में संघ कार्य की गति और कार्य विस्तार पर बातचीत करेंगे, साथ ही बैठक करेंगे जिसमें उत्तराखंड प्रांत स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान धर्म जागरण, ग्राम विकास, गौ संवर्धन, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर चर्चा होगी। साथ ही 10 अक्टूबर को मोहन भागवत संघ परिवार के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास 8 तारीख रात से 11 तारीख की रात तक है और उत्तराखंड के सभी प्रांत स्तर के कार्यकर्ता 2 दिन उनके साथ उत्तराखंड के संघ के काम की वृत्तम चर्चा होने वाली है। सभी विषयों पे जो संघ की गतिविधि है, धर्म जागरण, परिवार प्रबोधन, ग्राम विकास, गो सेवा, सामाजिक समरसता, इन सब के ऊपर और अपना काम 2025 तक कहां तक पहुंचेगा, इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल के 1.5 साल बाद अब भक्तों को केदारनाथ भगवान के दर्शन हो सकेंगे। आपको बता दें, हालांकि अभी भक्त केदारनाथ भगवान के लिंग को छू नहीं सकते हैं। इसके अलावा लिंग का घी आदि पूजनार्थ सामग्री से लेपन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल लिंग दर्शन और लिंग की परिक्रमा करने की अनुमति भक्तों को दी गई है। तो वहीं केदारनाथ में बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। लिंचैली से केदारनाथ के बीच में 100 के करीब टेंट लगाए गए हैं, जबकि धाम में भी रहने की प्रमुख इंतजाम किए गए हैं। जहां गुप्त काशी से यात्रा एकदम नजदीक पहुंच जाती है, तो वहां पर भी इस प्रकार से 4 सेंटर और सोनप्रयाग जो हमारा लास्ट है, वहां पे भी हमने ये कोविड जांच के जो है केंद्र स्थापित किए हुए हैं। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है, अगर वो लोकल व्यक्ति है और या कोई बाहर का भी है, तो उसको हम लोकल लेवल पे जांच करवा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके अकोमोडेशन की व्यवस्था जिस प्रकार से टेंट्स में या जो वहाँ पे जीएमएम के सेटअप हैं, तो वो पूर्ण तरीके से बना ली गई है और बिजली पानी की व्यवस्थाएं भी सुचारू हैं। और जो घोड़े खच्चर और डंडी कंडी जो उनके ट्रैक रूट पे जाने के लिए रहते हैं, वो भी ठीक प्रकार से चल रहे हैं। इसके अलावा हेली सर्विसेज भी चालू हो गई हैं। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ में एक समय पर चुनाव न होने से संघ में फिर से दरार पड़ती नजर आ रही है। तो वहीं संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर सोहन मांजुरा ने कहा कि संघ के चुनाव कोविड के चलते इस बार नहीं हो पाए और संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी मनमानी करते हुए संघ को भंग कर दिया, जबकि अध्यक्ष को पहले सभी सदस्यों से पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी से पूछा तक नहीं। साथ ही उन्होंने कहा 2021 सितंबर महीने में संघ के चुनाव होने थे, लेकिन अब तक नहीं हो सके हैं। हमने अपना प्रतिवेदन और अपना विषय जो अपना पक्ष है निदेशक महोदय के सामने रखा है कि राजकीय शिक्षा संघ एक का संविधान है, 1979 की नियमावली के प्रावधान में उसको बायलॉज बनाया गया है। उस बायलॉज में प्रांतीय कार्यकारियों के पदाधिकारियों के जो अधिकार हैं डिफाइंड हैं। उस अधिकार के अंदर अध्यक्ष जी को प्रांतीय कार्यकारिणी भंग करने का अधिकार नहीं है। अगर आप उसको भंग करते हैं तो वो विधिवत नहीं होगा।
देहरादून के नगर निगम ने आम जनता को भवन कर में 20% की छूट की अंतिम सीमा को 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। भवन कर वसूली को लेकर बीते महीने नगर निगम प्रशासन ने वार्डों में शिविर भी लगाए थे, जिससे नगर निगम ने अब तक 12 करोड़ रुपए की वसूली हाउस टैक्स से कर ली है। आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन हर साल समय से भवन कर चुकाने वालों को 20% की छूट देता है, लेकिन निगम का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ के ऊपर का है। लिहाजा निगम की ओर से भवन कर छूट सीमा एक महीने और यानी कि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। को लेकर जो छूट की समय सीमा थी उसको अभी बढ़ाया गया है एक महीने के लिए, और इसका लाभ भी लोगों ने उठाया है और आज के समय तक 12 करोड़ से ज़्यादा का भवन कर हमारे यहाँ एकत्रित हो चुका है। तो सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़ के इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाई है और हमारा सभी से अनुरोध यही है कि निर्धारित समय में जो भी अभी अवशेष टैक्स है उसको भी निगम में जमा कर दिया जाए, और इसके लिए हमारे इंस्पेक्टर्स जो बिल हैं हाउस टैक्स के उनको सभी जो संपत्ति के मालिक हैं उनको हम तामील भी करवा रहे हैं बिलों। कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की पीट पीट कर हत्या करने के आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह और चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा ने खुद को बीमार बताकर थाने के जीडी से अपनी रवानगी करवा ली है। तो वहीं जीएन सिंह ने पहले अक्षय मिश्रा को बीमार बताकर इलाज के लिए रवाना किया, बाद में खुद की तबीयत खराब होने का बहाना करते हुए रफू चक्कर हो गया। हालांकि इससे पहले उसने अपनी गढ़ी हुई कहानी को जीडी में विधिवत दर्ज किया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा राहुल भ्रमजाल फैला रहे हैं। पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने हर बार की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। गैर जिम्मेदाराना रवैया राहुल गांधी का दूसरा नाम बन गया है। जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जो दुखद घटनाएं होती है उसमें कभी भी राजनीतिक रोटी किसी को सेकना नहीं चाहिए, मगर आज हमें विवश होना पड़ा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि कुछ मुहूर्त पहले हमने विपक्ष के राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और जो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो सदैव करते हैं, उस भ्रमजाल को तोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज। 4 अक्टूबर को प्रियंका गांधी को सुबह सुबह हिरासत में लिए जाने और बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेसियों ने गौरीगंज स्थित कांग्रेस जिला मुख्यालय के पास सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी, प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।